नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं के साथ हाजिर हूं इस बुलेटिन में, मैं इंद्रशर मिश्रा। समाचारों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस बुलेटिन के हेडलाइंस। शिक्षा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में हो रहे हैं बेहतर काम। भोजपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। और सेंट माइकल हाई स्कूल में सोशल साइंस एग्जीबिशन का हुआ आयोजन, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का दिया परिचय। और समाचार विस्तार सहित देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के अवसर पर बिहार सरकार शिक्षा दिवस के रूप में मनाती आ रही है। इस अवसर पर सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले विद्वान को सम्मानित करने की परिपाटी सरकार ने शुरू की है। यह कार्यक्रम शनिवार को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि आईआईटी की आधारशिला मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही रखा था और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक कदम उठाए। आज शिक्षा दिवस है, बिहार ने ही शिक्षा दिवस का आयोजन 2007 से प्रारंभ किया। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस का आयोजन प्रारंभ किया। इसकी मांग कई लोग किया करते थे और केंद्र सरकार को उन दिनों पत्र भी लिखे जाते थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस का आयोजन देश भर में होना चाहिए। तो जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने यही सोचा कि केंद्र सरकार को तो हम लोगों ने लिखा ही है, लेकिन अपने राज्य में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस के आयोजन में क्या दिक्कत। इसलिए हम लोगों ने तत्काल निर्णय लिया और शिक्षा दिवस का आयोजन शुरू हुआ। सबको मालूम है कि 5 सितंबर को हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन होता है और अब शिक्षा दिवस का भी आयोजन 11 नवंबर को होने लगा। तो ये लगभग 10 वर्षों से इसका आयोजन बिहार में हो रहा है और इसके आयोजन के लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं और आप सबको सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जन्म दिवस पर आयोजित शिक्षा दिवस के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जो योगदान है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का इस देश के शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भुलाया नहीं जा सकता। और जो हम लोगों का उद्देश्य था शिक्षा दिवस का आयोजन, उसका यही उद्देश्य था कि देश के आजाद होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कितने नए और प्रभावशाली कदम उठाए गए, नई संस्थाओं का सृजन किया गया। ये जो आज आईआईटी है, यूथ का एक एस्पिरेशन होता है, उसकी इच्छा होती है कि हम आईआईटी में पढ़ें। तो आईआईटी की शुरुआत आजाद साहब के द्वारा की गई। आज जो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एक अहम भूमिका है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना भी मौलाना आजाद साहब के द्वारा किया गया। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रभावशाली कदम उठाए गए और जिसका एक अच्छा परिणाम आज देखने को मिलता है। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है और देश की आजादी की लड़ाई में जो मौलाना आजाद साहब का योगदान है,
देखिए जब देश का बंटवारा हो गया आजादी मिलने के साथ, और आप जानते हैं बापू के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और जो देश को आजादी मिली, तो आजादी के साथ साथ इस देश का बंटवारा भी हो गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में आईआईटी कानपुर के प्रख्यात भौतिक विज्ञानविद एच सी वर्मा को मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एच सी वर्मा ने कहा कि 70 वर्षों में शिक्षा को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए गए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि शिक्षा का एक ऐसा मॉडल हो जिसमें शिक्षक और बच्चे सोच समझ सकें, फ्री होकर क्लास कर सकें। उसका आनंद होता है। मुझे ऐसा सार्वजनिक पुरस्कार सबसे पहले जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था उस समय मिला था, जब राममोहन राय सेमिनरी में उनके वार्षिक उत्सव में मैंने संक्षेप की एक प्रार्थना पढ़ी थी मंच पर जा करके, और मुझे पुरस्कार मिला था। वहीं इस मौके पे बोलते हुए शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि आज यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत ही सही आदमी है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं, और जिस ढंग से और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, हम समझते हैं हॉल में बैठे सारे बच्चे और सारे शिक्षक भी बहुत तन्मयता के साथ उनकी बातों को सुन रहे थे, ग्रहण कर रहे थे और सबों को अच्छा लग रहा था। सजनों, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, खास करके मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं। हमने विद्यालयों में इसको पूरा करने में सफल होंगे। आज का कार्यक्रम के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। सेंट माइकल हाई स्कूल में शनिवार को सोशल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक हाथ से बनाए अपने हुनर को पेश किया, जिससे शिक्षकों ने खूब सराहा। इस मौके पर सोशल साइंस के शिक्षक एलबी प्लोरियन ने बताया कि बच्चों के विकास के लिए प्रतिवर्ष स्कूल में सोशल साइंस एग्जीबिशन लगाया जाता है ताकि बच्चे अपने अंदर की प्रतिभा को नए तरीके से पेश कर सकें। वहीं स्कूल शिक्षिका मेरी रोजलिन ने कहा कि पूरा एग्जीबिशन फिलोसफर रूसो की सोच लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, जिसमें बच्चों ने अपने हुनर का परिचय दिया। First of all, we are starting with the map of Bihar. Then we are showcasing various landforms of Bihar. Here we have mountains, plateaus, plains, and here the most important thing, the subway. The roadway is there, the famous tourist spot of Rajgir. Then we have the Nalanda University, which was established in 5th century BC, and now it is supposed to be re-established by the government of India. Narendra Modi in 2001 promised to donate rupees 50 crores for the re-establishment of Nalanda University. It was one of the major sources of knowledge back then, and it is going to be again now. The major thing for Nalanda University was its library Dharm Gunj. It was said that its library Dharm Gunj spread over in three buildings. When Bakhtiar Khilji burnt Nalanda University, it was said it kept burning for 3 months. Now, but also I would like to mention the first is location. Location, I would like to say that it's at 25 degree, 37 minutes and 13 seconds north, and 85 degree, 8 minutes and 22 seconds east. With a 29 meter height, it has a 144 stairs. It was made during the British India. The Britishers used it as a granary to keep grains. They thought that they would use the grains during the Troll Fight. This is Mahavir Mandir, located near the Patna Junction. It is a temple which receives second most number of devotees in North India after Vaishno Devi. It annually receives 50 crores of income just from the kindness of the devotees. हर साल हम लोग स्कूल में बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए, डेवलपमेंट जो कहते हैं हम लोग, हर साल इस तरह का ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि बच्चे कुछ अपने अंदर की चीज़ों कुछ नए तरीके से उसको पेश कर सकें, और इसका प्रभाव हम लोग देखें कि इनके पढ़ाई पर भी अच्छा रहा है। एग्जीबिशन के बारे में, ये बच्चों की सृजनता इसमें दिखाई देती है। ज्ञान जो किताब में पढ़ते हैं, शिक्षक जो उनको पढ़ाते हैं, उसको वो करके दिखाएं। ये जो आप प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं, वो रूसो जो फिलोसोफर थे, शिक्षा शास्त्री थे,
उनके ही सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। तो हमने उनको किताबी ज्ञान दिया, समझ दिया है, लेकिन उन्होंने आज करके दिखाया, हमको खुशी दिया कि हम जो आपने पढ़ाया उसको हम उसके कार्य के रूप में, एक पूरे प्रोजेक्ट के रूप में आपको हम। पूर्वी चंपारण को खुले में शौच से मुक्त कराने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी रमण कुमार ने खुद पंडितपुर पंचायत के बेलवतिया पहुंचे, जहां स्थानीय मुखिया दिवाकर पांडे के साथ गले में सीटी लगाकर शौचालय निर्माण के लिए चिन्हित जमीन की खुदाई अपने हाथों उन्होंने शुरू किया। इसके साथ ही लोगों को स्वच्छता का पाठ भी उन्होंने पढ़ाया और लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित भी किया। रन फॉर चंपारण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी के साथ अधिकारियों का जत्था पीपरा कोठी प्रखंड के पंडितपुर पंचायत के बेलवतिया गांव पहुंचा, जहां पर पहले से मौजूद जनप्रतिनिधियों को उन्होंने स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। दो घंटे से चल रहा है, चलो शौचालय है, चलो मोटर ले जाओ। जाइए जाइए। शिव मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ का शुभारंभ सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह के द्वारा फीता काट कर किया गया। 1551 कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा चोरमा से 5 किलोमीटर नवादा चकनाहा नदी में जलबोझी के साथ की। सभी भक्तों ने भक्तिभाव से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा में भाग लिया। घाट पर कथावाचक श्रीमती गायत्री देवी जी ने और आचार्य पंडित रंजीत शास्त्री के वैदिक मंत्रोच्चार सहित पूजा किया गया। कलश यात्रा के साथ राधा कृष्णा की झांकी भी निकाली गई। भोजपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने 303 बोर का एक पुलिस राइफल समेत 35 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार दो अपराधियों को बहोरनपुर ओपी अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर गांव से गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के बरियारपुर में जिला के सैकड़ों बालू गिट्टी दुकानदारों की बैठक हुई। बैठक में मोतिहारी जिला के चकिया, ढाका, रक्सौल, सुगौली, पकड़ी दयाल, अरेराज सहित सभी 27 प्रखंड के व्यवसायी मौजूद थे, जिसमें बिहार सरकार की मनमानी के खिलाफ एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम बालू गिट्टी संघ मोतिहारी रखा गया। इस बैठक का मकसद खनन विभाग द्वारा बालू पर रोक लगाने सहित इसकी निविदा कराकर सीमित लोगों को व्यवसाय करने के विरुद्ध था। इस बैठक में संघ द्वारा कई एजेंडों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी भी की गई। बड़ा बरियारपुर में आज मीटिंग हुआ है बालू गिट्टी व्यवसाय संघ का, जो सरकार के नीतियों के खिलाफ हम लोग धारणा देंगे और वो अपना कानून वापस ले, ताकि हम लोग का रोजी रोटी चले। और संगठन भी बना है? हाँ, आज एक नया संगठन बना है बालू गिट्टी व्यवसाय संघ। संगठन क्या करेगी आज? संगठन आगे अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड कार्यालय के सामने एक नाबालिग बिन ब्याही मां ने न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। अनशनकारी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि मेहसी थाना क्षेत्र के मोगलपुरा गांव में 14 वर्षीय बालिका का पड़ोसी ने शादी के 10 माह पूर्व बहला फुसला कर अपहरण कर लिया था, फिर उसे प्रेमी ने दुष्कर्म का शिकार बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गई। फिर उसका प्रेमी उसे लेकर चंडीगढ़ फरार हो गया, जहां उसको बेचने की तैयारी हो रही थी। किसी तरह लड़की वहां से भागकर अपने घर पहुंची, जहां दोनों पक्ष के बीच पंचायती भी हुई, जिसमें लड़की पक्ष ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर आरोपी पक्ष भड़क गए और लड़की पर दुष्चरित्र होने का आरोप मढ़ दिया। पीड़िता की मां ने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर 29 अक्टूबर को पीड़िता अपनी नवजात और मां के साथ थाना परिसर में अनशन किया, जहां पुलिस पदाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही का आश्वासन दिया था, परंतु आश्वासन के 2 सप्ताह गुजरने के बाद भी कोई पुलिसिया कार्यवाही नहीं होते देख आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ मेहसी प्रखंड मुख्यालय में आज से आमरण अनशन पर बैठ गई है। निकाह करने के लिए इनकार हो गया, उसके बाद हम थाना पुलिस
जनसत्ता में जाते रहे, सब बोला हाँ दे इंसाफ मिलेगा इंसाफ मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं दे रहा। उसके बाद बच्चा भी हो गया, बच्चा लेके हम इन्हें उन्हें बुआ रहे, तभी भी हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अररिया जिले में लगभग 43 करोड़ की लागत से बनने वाले एएनएम, जीएनएम और पारा मेडिकल भवन और छात्रावास का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने आए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम स्वास्थ्य सेवा में स्किल डेवलपमेंट कर बिहार में अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को स्किल्ड करके रोजगार दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदेश में शराबबंदी को देखते हुए अब प्रदेशवासी भी शराब बेचने वालों के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। ऐसा ही कुछ मिसाल कोइलवर के सुरोधा टोक के रहने वाले लोग कर रहे हैं, जहां लोगों ने शराब न बेचने और न पीने का संकल्प लिया है। लोगों का कहना है कि कोई भी अगर शराब बेचते हुए पाया गया तो उसे थानेदार से कहकर वे लोग गिरफ्तार करवाएंगे। शराबबंदी को पूर्ण सफलता दिलाने के लिए ग्रामवासी एक होकर इसके खिलाफ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और दूसरे तरफ गांव वाला आ गया, दूसरे गांव का आ गया तो वो भी चलाना बंद कर देंगे हम लोग, पूरे गांव को संभावना। तो आप लोग सारे गांव वाले एकजुट हुए कि अब ना शराब पियेंगे ना यहाँ बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। रंधा टोक पर पूर्व से पहले यहाँ पर शराब का अधिनिर्मित निर्माण पूर्व में हो रहा था पहले से। और इसी के साथ इस बुलेटिन से फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए बिहार न्यूज, आज की आवाज। नमस्ते।